जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका कुकिंग विद ममता विश्नोई के चैनल पर। आज हम बनाने जा रहे हैं ढोकला। ये हमने 2 कप बेसन ले लिया है। ये देखिए दोस्तों, 2 कप हमने बेसन ले लिया। इसमें 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, और हम इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे। पानी में मिला लेंगे इसको। अच्छे से घोलना है दोस्तों इसको। अब हम इसको बेसन में मिला लेंगे। एक चम्मच तेल डालेंगे हम और थोड़ा पानी और डालेंगे। 1 चम्मच ये 2 चम्मच हमने नींबू का रस डाल लिया है। अब इसको घोलते रहेंगे। इसको फेंटना है। एक ही तरफ को फेंटना है इसको। ये हमने चीनी का पानी था थोड़ा और डाल लिया इसमें। ये देखिए ऐसा घोल बनाना है हमें। थोड़ी देर फेंटना है बेसन को। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा ढोकला बनेगा आपका। बस ध्यान रहे इसमें ये गुठलियाँ गांठ सी जो होती है वो ना रहे बेसन की। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाते रहना है। ये देखिए दोस्तों, हमने बेसन मिला लिया है अच्छी तरह से। कितना बढ़िया बेसन घोल के तैयार हो गया। अच्छा घोल बना लिया हमने बेसन का। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसमें 1 चम्मच इनो डालेंगे और थोड़ा सा पानी। अब हमने गैस पे पानी रख दिया। 1 गिलास पानी डाला है। अब हम इसमें जाली रख देंगे। कोई भी स्टैंड हो आपके पास वो रख देना। आप कटोरा ले लेंगे एक, उस पर तेल लगा लेंगे। ये देखिए, कोई भी खुला कटोरा हो उसमें, दोस्तों कोई भी खुला कटोरा हो आपके पास उसमें तेल लगाकर इस घोल को डाल दीजिए। अब हमने पानी गर्म कर लिया है। अब इसमें रख देंगे हम ढोकले को। ये देखिए, अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए गैस पर रख देंगे। तेज गैस पर ही रखना है। हमने तेज गैस पर रख दिया था, हमने 20 मिनट तक रखा था हमने। ये हमारा ढोकला बनकर तैयार है। तड़के के लिए इसमें राई डालेंगे, थोड़ा सा तेल डालना है, कड़ी पत्ता, हमने 2 साबुत मिर्च डाली है इसमें हरी, ये नींबू का पानी डाल दिया हमने, और 4-5 चम्मच चीनी, हमने 3 नींबू का रस निकाला था और मैंने इसमें 4-5 चम्मच चीनी डाल दी, 2 गिलास पानी डाला चटनी के लिए। ये हमने ढोकले की चटनी, ये देखिए दोस्तों, हमने ढोकले की चटनी बना ली है। बहुत अच्छा ढोकला बनेगा आपका। ये मैंने 4-5 चम्मच चीनी डाल दिया इसमें और 3 से 4 नींबू का रस डाला है। 1 से 2 गिलास पानी डाल सकते हैं आप, क्योंकि ज़्यादा ही रसीला ढोकला अच्छा लगता है। ये देखिए,
मैं आपको ढोकला ये चाकू से ऐसे करके दिखाया। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ढोकला कितना अच्छा बन के तैयार हो चुका है। चटनी जो बनाई थी ये हम इस पे डाल देते हैं। बहुत स्पंजी ढोकला बन के तैयार हो चुका है हमारा। दोस्तों एक बार ज़रूर बनाइएगा जैसे मैंने बनाया है ढोकला। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये देखिए हमने कितना अच्छा गार्निश कर दिया है, हरा धनिया डाल दिया है। ये हमारा ढोकला बनकर तैयार हो चुका है। ये देखना, मैं काट के दिखाती हूँ आपको। बहुत स्पंजी ढोकला बना है, ये देखिए कितना स्पंजी ढोकला बना है। एक बार ज़रूर बनाइएगा जैसे मैंने बनाया है। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा स्पंजी ढोकला बना है। और दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो, मेरा ढोकला अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और वीडियो शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।